नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय एक कक्षा 11वीं जीव विज्ञान, जिसका पहला अध्याय एक का नाम है जीव जगत। ठीक है, जीव जगत में हमारे पहले और भी लेक्चर हो चुके हैं, आज हम लेक्चर फोर पढ़ेंगे। लेक्चर फोर में पढ़ेंगे जीवधारियों का नामकरण। ठीक है, तो जीवधारियों का नामकरण करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता है कि एक जीव को कई नामों से जाना जाता है। यदि हम हमारे देश की बात कर लें, यदि आप देखो तो हमारे देश के अंदर यदि प्रदेश की बात करें तो ही उस प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र में उस जीव को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये तो हमने किसकी बात करी, देश देश के अंदर, प्रदेश और प्रदेश के अंदर भी क्षेत्र में अलग अलग नाम से उसको जानते हैं। तो इस प्रकार आप समझिए कि कितने प्रदेश हैं, उन सारे प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाना जाएगा। और कितने ही देश इस पृथ्वी पर, तो हर देश अलग अलग नाम से उसको पुकारेगा। तो इसलिए एक ही जीव के कई नाम हो जाएंगे और इस पृथ्वी पर कई लाखों की संख्या में जीव हैं। जब एक ही जीव के कई नाम हो जाएंगे तो लाखों में पाए जाने वाले जीवों को कैसे याद रखेंगे? हम नहीं याद रख सकते, क्योंकि इसके नाम ही इतने हो जाएंगे कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि पहले तो जीवों की संख्या लाखों में है, और उसके अलावा यदि उनके नाम इतने सारे हो जाएंगे तो हम उनको नाम से नहीं जान सकते। इसलिए उसका एक नाम होना जरूरी है ताकि उसको उसके नाम से पूरे विश्व में जाना जाए। ठीक है, इसलिए उसका किया जाता है नामकरण, यानी उसको वर्गीकरण करके उसके लक्षणों को पहचान कर उसके नाम उसका नामकरण कर दिया जाता है। तो नामकरण उसका करते हैं, क्यों करते हैं, मैंने अभी आपको बताया। नामकरण करने से उसे हम आसानी से पहचान सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं, हम लंबे उसके नाम को याद रखा जा सकता है। ठीक है, उसका नाम जो है पूरे विश्व में एक ही नाम से उसको जाना जाएगा, जिस नाम यदि हम उसका नामकरण कर देते हैं तो। इसलिए नामकरण करना जरूरी है। ठीक है, अब नामकरण करने के लिए दो पद्धतियां होती है। ठीक है, एक होती है द्विनाम नामकरण पद्धति, ठीक है, और एक होती है त्रिनाम नामकरण पद्धति। तो हमारे पाठ्यक्रम में हम सिर्फ पढ़ेंगे द्विनाम नामकरण पद्धति, इसको पढ़ेंगे हम। हमारे पाठ्यक्रम में सिर्फ हमें इसके बारे में देखना है, इसके बारे में द्विनाम नामकरण पद्धति, त्रिनाम नामकरण पद्धति हम नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ किसको पढ़ेंगे, द्विनाम नामकरण पद्धति। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं द्विनाम नामकरण पद्धति में क्या क्या चीजें होती है, किस प्रकार से इसमें द्विनाम पद्धति में किसी भी जीव का नामकरण किया जाता है। ठीक है, उसको कैसे जो है उसका वर्गीकरण, उसका नामकरण होता है। ठीक है, द्विनाम पद्धति जो है इसका हम इस अध्याय में पाठ्यक्रम में हम द्विनाम पद्धति को पढ़ेंगे। तो द्विनाम पद्धति सर्वप्रथम किसने दी थी, ये दी थी केरोलस लिनियस। ठीक है, ये पद्धति केरोलस लिनियस ने दी। उन्होंने देखा कि जीवधारियों को नामकरण की आवश्यकता को देखते हुए सन 1753 में, ठीक है, अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने द्विनाम पद्धति का विस्तृत वर्णन किया है, और विस्तृत वर्णन करके उन्होंने जीवों के दो नाम रखे हैं। एक नाम तो होता है जीव का प्रथम नाम जो होता है वंश का नाम होता है प्रथम नाम, और द्वितीय जो होता है द्वितीय नाम जो होता है वो क्या होता है, जाति का नाम होता है। ठीक है, या जाति के लिए द्वितीय नाम का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने देखा कि द्विनामकरण पद्धति में दो नाम होने चाहिए, प्रथम नाम उसके वंश का होना चाहिए और द्वितीय नाम उसकी जाति का होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि हम देखें मनुष्य का, उदाहरण हम देखें मनुष्य का नाम होमो सेपियंस। ठीक है, ये मनुष्य का जो नाम है होमो सेपियंस, तो होमो सेपियंस में होमो जो होता है वो वंश का नाम है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है,
जो पूरे विश्व में इसी के नाम से जाना जाता है मनुष्य को, होमो सेपियंस। तो होमो नाम जो है वह ये एक वंश का नाम है और सेपियंस जो है ये जाति का नाम है, ठीक है। तो इस प्रकार से होमो सेपियंस से बना, ठीक है। और यदि हम गुलाब की बात करें रोजा इंडिका, तो रोजा का नाम जो है वो वंश का नाम है और इंडिका नाम जो है वो किसका नाम है, वो एक जाति का नाम है। तो इस प्रकार से रोजा इंडिका गुलाब का वैज्ञानिक नाम हुआ, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे जीवों के वैज्ञानिक नाम जो होते हैं, ठीक है, आपका कौवे का पाव का स्टेटस, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सभी जीवों के वैज्ञानिक नाम रखे गए हैं द्विनामकरण पद्धति के द्वारा, और इस पद्धति को अंतरराष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस द्वारा मान्यता प्राप्त भी है, इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस द्वारा इसको जो है मान्यता प्राप्त है द्विनामकरण पद्धति, ठीक है। आगे हम देखते हैं द्विनामकरण पद्धति के नियम, ठीक है, किस प्रकार हम द्विनामकरण पद्धति में जीवों का नाम में क्या क्या नियम उपयोग करते हैं द्विनामकरण पद्धति में जीवों के नाम को रखने के लिए, ठीक है। आगे इसके नियम देखते हैं इस पद्धति के, द्विनामकरण पद्धति के नियम, ठीक है। पहला नियम क्या होता है, इसके प्रत्येक जीव के दो नाम होने चाहिए, प्रथम नाम वंश का होना चाहिए और द्वितीय नाम जाति का होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रथम नियम होता है इसका, कि किसी भी जीव के दो नियम दो नाम होने चाहिए, प्रथम वंश का और दूसरा जाति का। वंश का नाम का पहला शब्द हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में होना चाहिए, जैसे हम कह रहे थे होमो, ये होमो, ठीक है। पहला अक्षर हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। जबकि जाति का नाम, जाति के नाम को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। अब जाति जैसे होमो सेपियंस में होमो जो नाम है वंश का नाम, जैसे पहला अक्षर हमने कैपिटल लिखा, लेकिन सेपियंस को हम छोटे अक्षरों में भी लिख सकते हैं जाति के नाम। दोनों नामों को अंग्रेजी के तिरछे अक्षरों में, जिसको बोला जाता है इटैलिक्स में लिखना चाहिए। आपने देखा होगा, आप कई बार टाइपिंग करते हो ना माइक्रोसॉफ्ट पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर या कीबोर्ड मोबाइल पर भी करते हो, उसमें आपने इटैलिक देखा, इटैलिक में कैसे अक्षर आ जाते हैं ऐसे तिरछे, तो हमें क्या लिखना चाहिए, दोनों नामों को अंग्रेजी के तिरछे अक्षरों में लिखना चाहिए, ठीक है, इटैलिक में लिखना चाहिए उनको। चौथा जो है, दोनों नाम छोटे और सरल होने चाहिए ताकि उच्चारण आसानी से किया जा सके। अब पता चले हमने नाम ही ऐसे रख दिए जिनका उच्चारण करने में हमें तकलीफ हो रही है, हमें परेशानी हो रही है, ऐसे यदि नाम रख देंगे तो दूसरे लोगों को नाम याद करने में बहुत समस्या आएगी। तो हमें हमेशा ऐसे नाम रखने चाहिए उनके, ताकि उनका उच्चारण करना आसान हो, जिनको आसानी से सरल तरीके से उच्चारित किया जा सके, ऐसे नामों का हमें चयन करना चाहिए। और इस प्रकार से द्विनामकरण पद्धति में नामों को रखा जाता है। वंश का नाम चयन करते समय हम किसी वैज्ञानिक, उसके सम्मान में किसी वैज्ञानिक का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे यदि होमो सेपियंस में देखें हम, ठीक है, होमो सेपियंस में देखें वैज्ञानिक मान लो लिनियस है, तो लिनियस के लिए लिनी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी वैज्ञानिक का नाम भी उसके सम्मान में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से वंश का नाम रखा जाता है। उसके बाद में कोई विशेष स्थान पर यदि वो उत्पन्न हुआ है कोई जीव, तो उस वहां पर उस विशेष स्थान का नाम भी हम लिख सकते हैं वंश में, या काव्यात्मक नाम भी हम वंश में दे सकते हैं, ठीक है, उसकी विशेष विशेषता के आधार पर भी उसका वंश का नाम हम रख सकते हैं। तो वंश के नाम कई प्रकार से हम रख सकते हैं। उसके बाद में जाति में देखें तो उसके रंग के आधार पर भी हम जाति का नाम रख सकते हैं, ठीक है, और उसके विशेष क्षेत्र में जहाँ उत्पन्न हो रही है उसके नाम पर भी, किसी देश के नाम पर भी रख सकते हैं, जैसे इंडिया का है तो इंडिका, जैसे जापान का है तो जापानिका, ठीक है, यानी उस देश के नाम पर भी उसका नाम रखा जा सकता है जाति का नाम, ठीक है। तो इस टाइप से हम वंश और जाति को दोनों को मिलाकर हम द्विनामकरण पद्धति में नाम को किसी भी जीव के नाम को रख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे जीवों के वैज्ञानिक नाम, जैसे कौवे का देखें हम पावो कास्टेटस, ठीक है, और भी यदि हम देखें बहुत सारे नाम है वैज्ञानिक, गाय का देखें तो बॉस इंडिकस, भैंस का देखें बॉस बुबेलिस, ठीक है, गेहूं का देखें टिटिकम एस्टिवम। तो बहुत सारे चीजों के वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, आपके बुक में दे रखे हैं कि आपको सभी के वैज्ञानिक नाम याद होने चाहिए, बहुत सारे जीवों के वैज्ञानिक नाम याद आपको होने चाहिए, जैसे मनुष्य का देखें तो होमो सेपियंस, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारे द्विनामकरण पद्धति में जीवों के नाम रखे गए हैं। अब हम देखते हैं कि वर्गीकरण के अध्ययन करने में क्या क्या चीजों का उपयोग किया जाता है। इसके आगे हम क्या देखेंगे,
कि वर्गीकी का अध्ययन करने में किन किन चीजों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, यानी वर्गीकी के यंत्र हम देखेंगे। वर्गीकी के अध्ययन के यंत्र में देखें तो हम चार इसके यंत्र होते हैं, वनस्पति उद्यान होते हैं, हर्बेरियम होता है, प्राणी उद्यान होते हैं और संग्रहालय होते हैं। उसमें हम देखते हैं वनस्पति उद्यान, तो वनस्पति उद्यान होते क्या है? वनस्पति उद्यान मानव द्वारा स्थापित, ठीक है, ये मानव द्वारा स्थापित होते हैं, ऐसे प्राकृतिक स्थल होते हैं जहाँ पर पौधों को जीवित अवस्था में संरक्षित रखा जाता है, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र जिसको जहाँ पर पौधों को जीवित रूप में संरक्षित किया जाता है मानव द्वारा, ठीक है, रखा जाता है, तथा यहाँ पर पौधों की विभिन्न प्रजातियों का समुचित प्रबंधन किया जाता है, यानी उनको व्यवस्थित रखा जाता है, उनका प्रबंधन भी किया जाता है, उनका मैनेजमेंट भी किया जाता है, ठीक है, यानी कोई भी जाति जो है वो खत्म नहीं हो, उनका विशिष्ट प्रबंधन भी वहां पर किया जाता है, मानव द्वारा निर्मित किया जाता है इनको, वनस्पतिक उद्यानों को। तो प्रमुख वनस्पतिक उद्यान कौन कौन से हैं, यदि हम देखें विश्व में तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन न्यू इंग्लैंड, ये जो है वनस्पतिक उद्यान इंग्लैंड में है, ठीक है, वो विश्व का सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद में इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुरी कोलकाता में है, ये यदि हम देखें तो एशिया का सबसे बड़ा है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में भी है जहाँ पर बहुत सारे पौधों की प्रजातियों को सुरक्षित रखा गया है, हर्बेरियम बनाए गए हैं। उसके बाद में यदि लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग, ये दार्जिलिंग में है, यहाँ पर भी बहुत सारी पौधों की प्रजातियों को सुरक्षित रखा गया, उनका उचित प्रबंधन किया गया है। उसके बाद यदि हम पांचवा देखें वन अनुसंधान संस्थान, जो वन अनुसंधान संस्थान है या उसको वनस्पति उद्यान भी बोलते हैं, जो कि देहरादून में है, उत्तराखंड, ठीक है। तो इस प्रकार से देहरादून, जो कि देहरादून में है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ वनस्पति उद्यान होते हैं जहाँ पर पौधों की विभिन्न प्रजातियों को सुरक्षित और प्रबंधन करके उनको रखा जाता है, ठीक है, मानव द्वारा, ठीक है, मानव निर्मित। अब हम आगे देखते हैं हर्बेरियम, अब बात करते हैं हर्बेरियम वनस्पति उद्यान कर हमारा हो गया, उसके बाद बचा हर्बेरियम। हर्बेरियम यदि देखते हैं हर्बेरियम होता क्या है, हर्बेरियम पौधों का ऐसा संग्रह है जहाँ पर पादप प्रतिरूपों को सुखाकर अच्छी तरह दबाने के पश्चात कागज की शीटों पर आरोपित कर वर्गीकरण की किसी मान्य पद्धति के अनुसार व्यवस्थित करके रखा जाता है, यानी किसी पादप प्रतिरूप को हम संग्रहित करके लाए, उसको सुखा लिया, उसको प्रेस कर दिया, और प्रेस करने के बाद उसे एक सीट पर हमने उसको क्या कर दिया, आरोपित कर दिया, उसको लगा दिया, ठीक है, वो होता है हर्बेरियम, ताकि हम भविष्य में या उसको उसका अध्ययन कर सकें, या उस समय में पाए जाने वाले पौधों के संदर्भ में भी उसका अध्ययन किया जा सके, ठीक है, इसलिए उसको हर्बेरियम तैयार कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा हर्बेरियम जो होता है वो तैयार करने के लिए क्या क्या चाहिए, उसके उद्देश्य होते हैं, हर्बेरियम जो है उसके उद्देश्य हैं, इसलिए इसको तैयार किया जाता है। हर्बेरियम जो है उसको उसके उपकरण होते हैं कुछ, जिनके द्वारा हर्बेरियम को तैयार किया जाता है। उपकरण के बाद इसकी विधि होती है कि किस प्रकार से हर्बेरियम को तैयार किया जाए, ठीक है, इन चीजों को हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। और जो हमारा बच गया है क्या, बच गया प्राणी उद्यान और संग्रहालय, इन दोनों को भी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, ठीक है, बाकी जो अगला लेक्चर बच गया उसमें क्या देखेंगे हम, हर्बेरियम के उद्देश्य, हर्बेरियम प्राप्त करने के उपकरण और हर्बेरियम तैयार करने की विधि प्लस प्राणी उद्यान और संग्रहालय जो बच गया है, ये अगले लेक्चर में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।